की पाठशाला। दोस्तों आज तो हमें बहुत मजा आने वाला है क्योंकि आज हम एनी के साथ सीखने वाले हैं मौसमों के बारे में। क्या बता सकते हैं ये कौन सा मौसम है? ये है विंटर यानी सर्दियों का मौसम। इस मौसम में हमें जरूरत होती है दस्तानों की। इतनी बर्फ में हमें बर्फ के चश्मे भी चाहिए होंगे और साथ ही चाहिए होगा एक गर्म कोट और आखिर में चाहिए जूते। ये सब चीजें हमें ठंड से बचाती हैं। ये और पता है ना दोस्तों, इस मौसम में हम स्कीइंग का मजा भी ले सकते हैं। ये आ जाओ दोस्तों। सब कुछ कितना प्यारा लग रहा है। कौन सा मौसम है ये? ये है स्प्रिंग यानी बसंत। और इस मौसम में होती है चारों तरफ हरियाली और खिलते हैं सुंदर फूल और हम सुंदर फूलों से बनाएंगे हेडबैंड। वाह कितना प्यारा है, देखो फूल खिल रहे हैं और चिड़िया गाना गा रही हैं। खरगोश खेलने के लिए बिल से बाहर आ गए और सूरज भी चमक रहा है। सब कुछ कितना सुंदर लग रहा है। ये कौन सा मौसम है? ये है समर यानी गर्मियों का मौसम। इस मौसम में चाहिए होता है स्विम सूट, सरौंग, धूप का चश्मा और साथ में टोपी। चलो अभी ने जल्दी से पहन ले। मजा आ गया। इस मौसम में बहुत मजा आता है बीच पर बैठकर आराम करने में और तरबूज खाने में। लगता है हैलोवीन आने वाला है। इसका मतलब ये है ऑटम यानी पतझड़ का मौसम। अरे ये तो विच की टोपी है और साथ में एक पोशाक भी है और एक केप भी है। चलो मैं इन्हें पहन लेती हूँ। मैं तैयार हो गई हैलोवीन के लिए। चलो ट्रीट्स लेने चलें। पर इस दरवाजे के पीछे क्या है? चलो देखते हैं। मुझे तो डर लग रहा है। हाँ, ये हमारे स्वागत के लिए आए हैं। आज हमने सीखा अलग अलग मौसमों के बारे में। विंटर यानी सर्दियों का मौसम, स्प्रिंग यानी बसंत, समर यानी गर्मियों का मौसम और ऑटम यानी पतझड़ का मौसम। मुझे ये चारों मौसम बहुत पसंद हैं। वाह क्या मजेदार धूप वाला दिन है बाहर खेलने के लिए। ये लो बैट बॉल। बहुत गर्मी लग रही है पर इस गर्मी से बचने के लिए छाता और चश्मा काफी नहीं है। हमें कुछ और भी चाहिए। हाँ क्यों ना ठंडे ठंडे समर कूलर बनाए। चले दोस्तों मजा आएगा। सबसे पहले मैंगो अपना कूलर बनाएगा। मैंगो पहले कौन सा फल लोगे? ओ मजेदार सेब, मीठी मीठी स्ट्रॉबेरी और रस भरा तरबूज। चलो इन्हें एक साथ ब्लेंड कर लें। ये देखो ये कितने अच्छे से मिल गए। वाह ये बन गया मैंगो का लाल कूलर। ठीक है अब मेरी बारी। मैं लूंगी एक स्वादिष्ट पपीता, एक संतरा और इसके साथ एक रस भरा खरबूजा और बस हो गया। चलो अब इन्हें अच्छी तरह मिलाएं। वाह ये बन गया मेरा नारंगी कूलर। बेन अब तुम्हारी बारी है, बताओ तुम कौन से फल चुनोगे? बेन ने सबसे पहले लिया एक केला, एक मजेदार अनानास और एक मीठा मीठा रस भरा आम। इन्हें अब अच्छी तरह मिलाओ और इनसे हमने बनाया एक पीला कूलर। तो हमारा दिन बन गया रंगों और स्वाद से भरा हुआ। ठंडे ठंडे कूलर के साथ गर्मियों का लो मजा, खेलो कूदो खूब क्योंकि ये धूप से लेंगे तुमको बचा। हाँ देखो मेरी सारी थकान दूर हो गई। आज हमने सीखा कि सेब, तरबूज और स्ट्रॉबेरी होती हैं लाल, आम, केला और अनानास होते हैं पीले, संतरे, पपीते
और खरबूजों का रंग होता है नारंगी। तो देखा दोस्तों, आज कितना मजा आया। काफी रात हो गई है और जंगल में बहुत अंधेरा भी है। पता नहीं रास्ते में क्या मिले। ये तो डॉट्स हैं। चलो इन्हें जोड़ें। एक, इसे जोड़ते हैं। दो, तीन, चार, पाँच, छह, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह, सत्रह, अठारह, उन्नीस, बीस, इक्कीस, बाईस, तेईस, चौबीस। और ये बन गई कमिला। तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मैं सोच रही हूँ कि इतनी ठंड में अब और क्या होने वाला है। चलो डॉट्स जोड़ें और देखें। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह, सत्रह, अठारह, उन्नीस, बीस, इक्कीस, बाईस, तेईस, चौबीस। ओह, ये तो फ्रैंक है। कैसे हो फ्रैंक? ओह, हम कितने दिनों बाद मिल रहे हैं। आखिरी बार हमने तुम्हें लंदन के भूत बंगले में देखा था। वाह, मजा आ गया। हम लोग तो जैसे उड़ रहे हैं। यहाँ पर भी डॉट्स हैं। अब इनसे क्या बनेगा? चलो डॉट्स जोड़ें। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह, सत्रह, अठारह, उन्नीस, बीस, इक्कीस, बाईस, तेईस, चौबीस। ये तो बेरी है। हाय बेरी, तुम्हें देखकर खुशी हुई। जल्दी मिलेंगे। बाय बाय। आज हमने क्या सीखा दोस्तों? तो आज हमने डॉट्स और संख्याओं की मदद से बनाए कमिला द विच, मॉन्स्टर फ्रैंकेनस्टाइन और अंतरिक्ष का मॉन्स्टर बेरी। हमें डॉट्स जोड़ने में बहुत मजा आया। वाह, देखो घर पर कौन आया है। हमारा प्यारा दोस्त मैंगो। लेकिन घर पर तो कोई नहीं है। तो क्या हुआ, बहुत सारे फल तो हैं। क्या करने वाले हो मैंगो? नाशपाती। मैंगो ने उठाई एक नाशपाती और अब लिया एक खरबूजा और खरबूजे के कटे हुए टुकड़ों को नाशपाती के पीछे इस तरह से सजा दिया। अरे वाह, ये है अनानास। इन्हें कहाँ लगाओगे? वाह, तुम तो काफी समझदार हो मैंगो। अब क्या करने वाले हो? ओह, संतरे। इन संतरों को मैंगो लगाएगा अनानास के पीछे। वाह, ये है मजेदार तरबूज। इन्हें कैसे लगाओगे? मैंगो, तुम्हारे फलों की सजावट तो बहुत सुंदर है। तो क्या ये तैयार हो गया? पर लगता है अभी कुछ कमी है। ये है सेब। हाँ, इसमें सेबों की कमी थी। तुमने इन्हें भी लगा दिया तरबूज के पीछे। और ये है मैंगो के पसंदीदा केले। वाह, केले देखकर तो मैंगो की खुशी दुगनी हो गई। केलों को भी लगा दिया और ये दूसरी तरफ भी। तुम बहुत अच्छा कर रहे हो मैंगो। शाबाश। और अब क्या? अब मैंगो ने लिए हैं अंगूर और अंगूरों को भी मैंगो ने लगा दिया केलों के पीछे। और अब बारी है स्ट्रॉबेरीज की। तो तुम ये स्ट्रॉबेरी कहाँ रखोगे? अरे, ये तो हमने सोचा ही नहीं था मैंगो। जरा देखो तो, मैंगो ने फलों से कितना सुंदर पक्षी बनाया। क्या आप बता सकते हैं ये कौन सा पक्षी है? पीकॉक, यानी कि एक मोर। ये मोर तो कितना सुंदर है ना? और मोर है हमारा राष्ट्रीय पक्षी। मैंगो, तुम तो कमाल के कलाकार हो। तो आज हमने बनाया एक मोर, वो भी कई सारे फलों की मदद से, जैसे कि अंगूर, गोल गोल खरबूजे, खट्टे मीठे संतरे, लाल लाल सेब, स्वादिष्ट अनानास, रस भरे तरबूज, पीले केले, हरी नाशपाती और मीठी मीठी स्ट्रॉबेरीज। तो आज हमने सीखा कि हम फलों की मदद से भी एक सुंदर चित्र बना सकते हैं। बाय बाय।
पता नहीं ये मैंगो मुझे कहाँ लेकर जा रहा है। अरे वाह, ये क्या है? शायद ये कोई खेलने की चीज है। हमें याद रखना होगा कि ये रंग किस क्रम में रोशन होते हैं। चलो मैंगो एक बार कोशिश करते हैं। नीला, गुलाबी, लाल। वाह मैंगो, तुमने सही पहचाना। चलो अब थोड़ा मुश्किल वाला खेलते हैं। लाल, गुलाबी, नीला, हरा, पीला। क्या तुम तैयार हो मैंगो? तो चलो शुरू करें। लाल, गुलाबी, नीला, हरा। तुम अच्छा कर रहे हो मैंगो, चलो आगे बढ़ो। नीला, अरे नहीं ये गलत है। चलो मैंगो तुम ये कर सकते हो, आओ दोबारा कोशिश करो। लाल, गुलाबी, नीला, हरा। आगे बढ़ो मैंगो। पीला, हमने कर दिखाया। तो आज हमने मैंगो के साथ खेला ये खेल जिसमें हमने सीखे रंगों के क्रम। आज हमने एनी और बेंट की पाठशाला के चैनल में जो सीखा उसमें बहुत मजा आया।